हेमा मालिनी की शादी को 43 साल हो चुके हैं। इतने सालों बाद भी अलग अलग घरों में रहते हैं। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। धर्मेंद्र की फर्स्ट वाइफ प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे भी थे, पर वो हेमा मालिनी को दिल दे बैठे। इससे उनका रिश्ता लाइमलाइट में रहा, पर हेमा ने आज तक अपने रिश्ते की पकड़ को मजबूत रखा है। वो कभी भी अपने पति और उनकी पहली पत्नी के बीच नहीं आई। यही कारण है कि वो दोनों शादी के बाद साथ नहीं रहते हैं। हेमा जी कहती है कि धर्मेंद्र हमेशा उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। हेमा मालिनी यूं तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कम बात करती हैं, पर हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर पति और शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात की। लेहरन रेट्रो के साथ बातचीत में हेमा ने बताया कि वो धर्मेंद्र से अलग घर में रहती हैं और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश करने का फैसला खुद लिया था। उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा, कोई भी इस तरीके से रहना पसंद नहीं करता है, लेकिन ऐसा हो जाता है। हेमा जी ने कहा कि जीवन कभी कभी अजीब मोड़ ले लेता है, पर व्यक्ति को उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनके साथ तालमेल बिठाना चाहिए। हेमा ने इस बात पर जोर दिया कि उनके पति धर्मेंद्र हमेशा उनके परिवार के लिए मौजूद रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हर औरत पति और अपने बच्चों के साथ एक सामान्य परिवार की तरह रहना पसंद करती है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां कहीं और ले जाती हैं। हेमा ने कहा कि उन्हें इससे बुरा नहीं लगता, ना ही उन्हें कोई नाराजगी है, वो इससे खुद संतुष्ट हैं। जल्दी बच्चों का ऐसा होगा ना, जब टाइम मिलेगा, राइट पर्सन विल कम एंड इट विल। हेमा ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश की है और धर्मेंद्र ने हमेशा उनका साथ दिया है। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की। पहले साल 1954 में घर वालों की मर्जी से उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की। दोनों के 4 बच्चे हैं। इसके बाद एक्टर हेमा मालिनी को दिल दे बैठे और दोनों ने फिर 1980 में धर्म बदलकर शादी कर ली थी। 87 साल के धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 बेटियां हैं।